हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। अगर आप बच्चों को टिफिन में कुछ नया देना चाहते हैं और शाम में या फिर सुबह के नाश्ते में आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैंने आज यहाँ पे अपने किचन में पास्ता बनाया है। पास्ते का कलर और टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। ये काफी हेल्दी और रिच ब्रेकफास्ट होता है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए, अगर आपको इसी तरीके का हेल्दी और टेस्टी पास्ता बनाना है तो मेरी इस रेसिपी को पूरा जरूर देखें। तो चलिए इस बढ़िया सी पास्ता की रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले हमें पास्ता को बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए मैंने कढ़ाई में यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसे एक बार इस तरीके से चला देंगे। पानी यहाँ हमारा बॉयल हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे पास्ता। ये देखिए मैंने इस शेप के पास्ता लिया है। पास्ता तो बहुत सारे शेप के होते हैं, आप कोई भी शेप के पास्ता को यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं। ये मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है। 5 से 7 मिनट तक के लिए इसे पकने देंगे। हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बीच बीच में इस तरीके से हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गया है, देखिए पास्ता हमारा कुक हो गया है। हमें इसे फुल कुक नहीं करना है, 75% ही हमें इसका कुक करना है। देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये इजिली हमारा टूट जा रहा है, यानी कि हमारा कुक हो चुका है। चलिए तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। मैंने यहाँ पे पास्ता को छान लिया है और इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो देंगे और एक बार इसे चला देंगे ताकि हमारा पास्ता एक दूसरे में चिपके ना। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए हमारा पास्ता एकदम खिला खिला है, एक दूसरे में एक भी नहीं चिपका है। चलिए अब हम पास्ता के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनाते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस से चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा मिर्च और इसे चला देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और इसे चलाएंगे और थोड़ा सा लहसुन को पकने देंगे ताकि इसमें जो कच्चापन होता है वो हल्का दूर हो जाए। लहसुन हमारा भुन गया है तो इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने 1 पीस बड़े वाले प्याज लिए जिसे मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है और इसे चला देंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट चलाने के बाद इसमें डालेंगे स्लाइस में कटा हुआ हमारा गाजर। ये मैंने 1/2 पीस गाजर लिया है और इसे स्लाइस में काट लिया है। अब इसे भी थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। साथ ही अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। ये मैंने 1 पीस शिमला मिर्च लिया है जिसे इस तरीके से डायमंड कट्स में काट दिया है। आप चाहो तो अपने शेप के अनुसार किसी भी कट में काट सकते हो। हम इन सारी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक हल्का सौते करेंगे, ज्यादा लाल नहीं करेंगे। कुछ देर इन सारी सब्जियों को भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, टमाटर। ये मैंने 1 पीस टमाटर लिया है जिसे कि फाइनली चॉप कर लिया है। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे नमक, ब्लैक पेपर। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे और ब्लैक पेपर यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून डाला है और इन सबको अच्छे से चलाएंगे। टमाटर डालने के बाद हम नमक इसलिए डालते हैं ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग भी इसमें सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा और सौते करेंगे। सब्जियाँ हमारी अच्छे तरीके से सौते हो गई है तो हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डालने से हमारे पास्ते का कलर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और साथ ही इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हमारा टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून लिया है, और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी। ये वही पानी है जो मैंने पास्ता को बॉयल करके निकाला है। अब इसे सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। देखिए आप, हमारी सारी सब्जियां जो है वो अच्छे से पक गई है, चाहे वो कैरेट हो, शिमला मिर्च हो या प्याज हो। तो अब इसमें फाइनली हम ऐड कर देते हैं पास्ता और इसे चला देंगे। देखिए हमारा पास्ता एकदम खिला खिला है, कोई भी एक दूसरे में चिपका नहीं है। इसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब पास्ता के साथ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बटर। बटर डालने के बाद सबको अच्छे से एक और मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से हमारा पास्ता बहुत ही अच्छा क्रीमिश लगता है खाने में और ये पास्ता को और भी रिच कर देता है।
देखिए हमारा पास्ता कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बस ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा पास्ता ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। चलिए 2 मिनट हो गए हैं तो गैस को यहाँ हम ऑफ कर देते हैं और इसे एक बॉल में सर्व करते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पास्ता को एक बॉल में निकाल लिया है। अब इस पर गार्निश करेंगे हम स्प्रिंग ऑनियन से। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो इससे ज़रूर गार्निश करें, क्योंकि इसके साथ पास्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ का पत्ता। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पास्ता एकदम रेडी है बनकर। आप इसे बच्चों को टिफिन में दें और खुद भी घर पे बनाकर खाएं, और हमें ज़रूर कमेंट करें कि ये पास्ता आपको कैसा लगा खाने में। अगर आपको मेरी सारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।